हेलो बच्चों बच्चों कैसे हो आप सब। बच्चों एसएससी फेज 11 की कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने मैट्रिक लेवल यानी टेंथ लेवल का एप्लीकेशन फॉर्म डाला था और जिन्होंने एग्जाम दिया ओनली टेंथ लेवल का, क्योंकि इस पर ही मैंने अभी तक जितना रिसर्च करना था मैंने इस पर ही किया। फिर अभी कुछ दिनों बाद जो है आपकी इंटरमीडिएट लेवल की वीडियो आ जाएगी, उस पर भी रिसर्च चल रहा है। कुछ दिनों बाद फिर ग्रेजुएशन एंड अबाउ लेवल की वीडियो आ जाएगी। जो स्टूडेंट ने चैनल फॉलो नहीं किया वो फॉलो करके रखे ताकि इन्फॉर्मेशन आपको सटीक एंड सही प्रोवाइड हो। सो बच्चों कभी आपने सोचा है कि जो यूट्यूब पर न्यूज़ वायरल हो रही है कि कट ऑफ हाई जाएगी, और कुछ बच्चे तो ऐसा बोल रहे हैं 150 से नीचे वाले जो स्टूडेंट है 150 से नीचे वाले वो तो सोचना ही मत, उनका तो सिलेक्शन होगा ही नहीं। भाई ये क्यों, ये कैसे न्यूज वायरल हो रही है? इसका मतलब है कि जो स्टूडेंट ने मैक्सिमम अटेम्प्ट किया एग्जाम में, भाई 0.50 नेगेटिव मार्किंग है, और इस नेगेटिव मार्किंग को बीट करना इजी नहीं रहता यार। हर स्टूडेंट के लिए मतलब एक वो रहता है कि टारगेट की इस चीज को कैसे बीट करे। जब 0.5 नेगेटिव मार्किंग रहती है स्टूडेंट को जब कंफ्यूजन रहता है वो वैसे ही क्लिक करके नहीं आता। और स्टूडेंट सभी बोलते हैं मेरे 150 160 है, लेकिन जब आंसर की आ जाती है उनके 20 से 30 नंबर घट जाते हैं। ठीक है, ऐसा होता है भाई। और रिसेंटली एसएससी जीडी में भी आपने देखा है जो मिनिमम मतलब हम कट ऑफ यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं उससे भी ज़्यादा यहाँ पे कितनी हाई कट ऑफ गई है। तो बच्चों इसमें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एसएससी फेज जो अभी जो फेज 11 का फॉर्म भरा था, कुछ बच्चे तो एसएससी जीडी में निकल गए, कुछ बच्चे किसी और पोस्ट में निकल गए। भाई 2023 में इतनी वैकेंसी आई है, इतनी वैकेंसी आई है, जो बच्चा पढ़ने वाला है ना बाई गॉड 2023 में उसका सिलेक्शन हो जाएगा। इतनी वैकेंसीज में अगर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आज उसका सिलेक्शन नहीं होगा, उसको और मेहनत करने की जरूरत है, उसको बहुत पढ़ना पड़ेगा जब जाके सिलेक्शन होगा। ठीक है, एसएससी जीडी फिर से वैकेंसीज आ रही है, एसएससी एमटीएस फिर से वैकेंसीज आ रही है। ठीक है बच्चों, ये ठीक है। और बच्चों मैंने भी एक सर्वे करा था, जिस सर्वे में जो मतलब 60% जो बच्चे हैं, 60% जो बच्चे हैं उनका 120 से नीचे, 120 नंबर से नीचे है। और बच्चों 1:15 की रेशियो में स्टूडेंट लिया जाएगा। और बच्चों इस पूरे एग्जाम में कम से कम जो है 30% स्टूडेंट जो है वो अपीयर हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि किसी के मेडिकल चल रहे हैं जीडी के, किसी का सिलेक्शन हो चुका है, कोई जाना नहीं चाहता, बहुत सारे यहाँ पे रहते हैं कोई जाना चाहता। तो 30% में तकरीबन 10% बच्चे सीरियस नहीं होंगे। अगर वे सीरियस होते तो उनका पहले ही सिलेक्शन हो चुका होता भाई, सीरियस होते तो उनका पहले ही सिलेक्शन हो चुका। तो कट ऑफ हाई जाने में जो यहाँ पे भ्रम फैला हुआ है यूट्यूब पे वो आप बिल्कुल भी इग्नोर कर दो भाई, क्योंकि कट ऑफ जाने वाली है, थोड़ी बहुत लो जाएगी मतलब लमसम। तो क्योंकि जब मैंने इनकी पिछली कट ऑफ देखी, देखो मैंने फेज 9 और 10 की जब मैंने यहाँ पे कट ऑफ देखी, उसमें अगर आप यूआर के लिए 93 से लेके 160 कट ऑफ गई थी। अब बच्चों क्या पोस्ट कोड से प्रिडिक्ट करना क्या इजी रहता है? भाई पोस्ट कोड से कट ऑफ प्रिडिक्शन जब भी होता है अगर हमारे पास आपका सही इंफॉर्मेशन हो, सही डेटा हो, जब भी हम एक पोस्ट से मतलब जो पोस्ट कोड है आपका उस पर कट ऑफ की एक सटीक वीडियो बना सकते हैं। ठीक है बच्चों। और बच्चों ये इतना कट ऑफ वीडियो गई थी जब बच्चों 2200 वैकेंसीज थी, जब 3000 वैकेंसीज के लमसम थी। अब करीबन जब 3000 वैकेंसीज 2200 वैकेंसीज थी जब भी उतने ही बच्चे थे, और जब जब फेज 9-10 में तो ये आपका कोविड का पीरियड था जब इतने बच्चे जाके हुए थे, अब 30% बच्चे यहाँ पे अपेयर हुए हैं। और उस टाइम करीबन जब मैंने रेशियो उठाई थी 60-65% बच्चे यहाँ पे अपेयर हुए थे, तो कैसे बोल सकते हैं? और उसमें जब कट ऑफ मैक्सिमम 160 गई थी तो आप कैसे बोल सकते हो कि कट ऑफ आपकी 150 जाएगी? बिल्कुल भी नहीं जाएगी। मैंने पूरा एनालाइज करके यहाँ पे बैठा हूँ, पूरा A to Z सारी मैंने एनालाइज करके रखे, 3-4 फेज मैंने यहाँ पे यूज कर लिए आपके लिए। सो बच्चों कोई इशू नहीं है। देखो अगर आप यूआर कैटेगरी से, देखो यूआर कैटेगरी से अगर आप है तो यहाँ पे 142 से लेके 145 के बीच में है तो आपका सिलेक्शन फेल होने के चांसेस है 99%। ठीक है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से है, ओबीसी कैटेगरी 135 से लेके 138 के बीच है तो सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो बच्चों लमसम सेम ही रहने वाला है, लमसम आपका सेम ही रहने वाला है, 131 से 135 के बीच है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप एसटी से है, एसटी से 118 से लेके 123 के बीच है तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है। और एसटी से लेके जो एसटी के स्टूडेंट है यहाँ पे 102 से लेके 107 के बीच नंबर है
तो उनका सिलेक्शन हो सकता है। ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है। बाकी जो आपको इंफॉर्मेशन पास करनी है, कुछ डाउट है इस कट ऑफ में, तो आप जो है यहाँ पे मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।